सुनिएगा, ये चार, ये कल चार पंक्तियां मैंने कही थी, वो पंक्तियां आप मैंने अभी उस पर डाली हैं, लेकिन वो मुझे अच्छी सुनिएगा। चांद तारे उठा के ले जाओ, चांद तारे उठा के ले जाओ, मैं अंधेरे से प्यार करती हूँ। चांद तारे उठा के ले जाओ, मैं अंधेरे से प्यार करती हूँ। अब तमन्ना नहीं है जीने की, अब तमन्ना नहीं है जीने की, मौत का इंतजार कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत शानदार अभिव्यक्ति, बहुत शानदार। और मुझे जिस गजल के लिए हुक्म हुआ है, उस मैं सिर्फ उस गजल के हुक्म की तामील में आदेश का पालन करने के लिए दो शेर सुनाऊंगी, क्योंकि अभी हमारे मेहमानों को सबको सुनना है। लेकिन एक मुक्तक का मेरा मन है नोख साहब, सुनिएगा ये मुक्तक। खत्म होने को है जिंदगी का सफर, चंद सांसें बची है मिलन के लिए। खत्म होने को है जिंदगी का सफर, चंद सांसें बची है मिलन के लिए। आप पतझड़ में भी गुल खिलाते रहे, आप पतझड़ में भी गुल खिलाते रहे। मुझको कांटे मिले हैं चुभन के लिए। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। और कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूं, मेरी आशाओं का दीप बुझने को है। तुम हथेली पे सूरज उगाते रहे, तुम हथेली सूरज उगाते रहे। मैं तरसती रही एक किरण के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक मतला और दो शेर बस उस गजल के मैं हाजिर कर रही हूँ। स्वागत। मेरी जिंदगी का मरसिया है, मेरी जिंदगी है ये गजल, जिसने मुझे संसार भर में मशहूर किया या बदनाम किया। सुनिए। मैंने कोई सूरज कोई शानदार, शानदार। किस रंग का होता है उजाला, नहीं दे। और ये शेर सुनेगा मुझे अच्छा लगता है। जैसा कि सब जानते हैं कि अपना अपने को मिटा रहा है, लेकिन मैंने उस मालिक का शुक्र अदा किया कि उसने अच्छा किया, मुझे आंखें नहीं दी ताकि ऐसे लोगों के चेहरे नहीं देखने पड़े। क्या दर्द है। सुनते हैं के
अपने ही थे घर लूटने वाले, सुनते हैं के अपने ही थे घर लूटने वाले। अच्छा हुआ मैंने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।